वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं, आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो गाइस फिर से स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज के ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम जा रहे हैं उड़ीसा का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस जिसका नाम है पारादीप। तो गाइस जो यहाँ से 37 किलोमीटर डिस्टेंस में है। तो गाइस आप लोग हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइस बिना कुछ टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं, फ्रेश होके फिर हम लोग निकलेंगे पारादीप के लिए। तो गाइस चलिए चलते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम निकल चुके हैं घर से, अभी हम गोपचक देके आ चुके हैं एनएच के ऊपर। तो अभी हम जा रहे हैं एनएच में, तो यहाँ से पूरा सीधा रास्ता है। तो गाइस अभी हम यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे एक इंडिया भारत पेट्रोलियम है आगे में, तो हम वहाँ से पेट्रोल डालेंगे हमारे बाइक में फिर हम लोग निकलेंगे। तो गाइस तब तक आप लोग देखते रहिए और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस चलिए। तो गाइस अभी हमारे बाइक में पेट्रोल डाल रहे हैं अंकल, तो हमारा पेट्रोल डल चुका है तो अभी हम निकलेंगे। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं पर यहाँ पे तो बारिश शुरू हो गया है गाइस, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, देखते हैं कितना जोर से है बारिश, तो निकल जाएंगे हम फिर। थोड़ा जोर से हो रहा है तो पूरा भीग जाएंगे, यहीं पर रोक देंगे अभी थोड़ा देर, यहीं पर रुक जा। गाइस थोड़ा बारिश अभी कम चुका है, अभी हम निकल चुके हैं फिर से, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है बारिश, इतना भी नहीं हो रहा जोर से, तो अभी हम निकल चुके हैं। सारा ट्रक लाइन से पूरा खड़ा हुआ है, शायद संडे है इसलिए, या फिर कुछ और भी हो सकता है मुझे पता नहीं, पर यहाँ से बहुत दूर तक पूरा लाइन से खड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं पारादीप के एंट्री गेट के पास। तो ट्रक का लाइन आपने देखा, पूरा पारादीप तक यहाँ तक लाइन यहाँ पे लगा हुआ है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं पारादीप। तो गाइस रास्ते में हमें मिले हमारे घर के पास के कुछ लड़के, तो ये लोग भी हमारे साथ यहीं से जाएंगे बोल रहे हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं फिर से।
फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं पारादीप के मेन चेक में, जहां से हम लोग जाएंगे सी बीच और नेहरू बंगला। तो यहां से सीधा जाएंगे तो नेहरू बंगला, तो इधर से राइट में जाएंगे तो हमारा सी बीच, पारादीप का सी बीच। तो गाइस फर्स्ट हम लोग जाएंगे नेहरू बंगला। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं नेहरू बंगलो। यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे लोग भी बहुत हैं। चलिए दिखाता हूँ आपको, अभी हम जा रहे हैं ऊपर, तो ऊपर का कुछ ऐसा नज़ारा है। तो गाइस यहाँ पे कुछ लोग फिशिंग भी कर रहे हैं, मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। अभी हम पहुंच चुके हैं नेहरू बंगला, जो यहाँ पे पारादीप में फेमस है बहुत। तो अभी हम नेहरू बंगला में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे फिशिंग चल रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, ये देखिए। तो गाइस ये अंकल अभी जा रहे हैं फिशिंग करने, तो इनके पास एक नेट भी है इनका। तो ये यहाँ पे अभी उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं स्लोली स्लोली, क्योंकि पूरा पत्थर है सब है तो देख के उतर रहे हैं। तो गाइस अंकल उतर रहे थे, तो उनका एक लड़का है जो फिशिंग कर रहा था, जो अभी एक फिश उसने थामा है, तो अभी वो निकाल रहा है नेट से फिश। तो गाइस देखिए आप भी। तो गाइस ये भाई ने और एक फिश पकड़ा है यहाँ पे, देखिए हेडी एपडे देखे दियो हेडी माछ वीडियो रे हमें पकेउ आ देखले न होला के ले जो हां ठीक है हम उठे है देखलो। तो गाइस ये भाई बोले थोड़ा वीडियो करने उनका, तो मैंने उनका वीडियो कर दिया। तो गाइस फिर से भाई अभी अंदर जा चुके हैं, तो ये इस बार कौन सा फिश थामते हैं देखते हैं गाइस, थोड़ा वेट करेंगे अभी यहां पे हम। तो गाइस फाइनली ये भाई फिर से फिश पकड़ के आ चुके हैं, तो देखते हैं इस बार कौन सा फिश पकड़ा इन्होंने। तो गाइस ये रहा फिश, ये माछो ना कौन। तो गाइस ये मछली बहुत ही खतरनाक है, ये अंकल बोल रहे हैं ये मछली जो खाएगा तो रात को ठीक से उसको नींद भी नहीं होगा, तो दो दिन ठीक से नहीं सो पाएगा। ये मछली से लेके कुछ मेडिसिन भी बनता है। तो गाइस ये अंकल तो बोले हमको, हमें तो पता नहीं। तो गाइस आपको जब भी पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं ऊपर, तो नीचे फिशिंग कर रहे थे वो लोग, तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे एक बोट जा रहा है फिशिंग के लिए। तो गाइस आप लोगों को नेहरू बंगला कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से नेहरू बंगला से।
तो गाइज जैसे ही हम निकल रहे थे यहाँ से नेहरू बंगला से, तो यहाँ पे हमारा एक दोस्त मिला जो मेरा क्लासमेट भी है। तो गाइज ये यहाँ पे फोटो क्लिक कर रहा है, तो गाइज ये भी अभी हमारे साथ जाएगा, तो ये थोड़ा आगे जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा फिशिंग एरिया देख के जाएंगे। फिशिंग एरिया जो है यहाँ पे बोटिंग होता है, जहाँ पे फिशिंग करते हैं। तो गाइज ठीक है, बाय बाय। तो गाइज यहाँ पे दो क्यूट बिल्ली है जिसे मैं खिला रहा हूँ। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं फिशिंग एरिया, जहाँ पे जाते हैं बोट लेके फिशिंग करने यहाँ के लोकल लोग। तो गाइस देखते रहिए आप।
वर्कआउट के लिए बेसिक एक्सरसाइज के यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला है, स्टेप बाय स्टेप है, ये थर्ड वाला है, ये फोर्थ वाला है एक्सरसाइज, ये फिफ्थ वाला एक्सरसाइज है, ये सिक्स वाला एक्सरसाइज, ये सेवन वाला, ऐसे ही बहुत सारे वर्कआउट सब जो है एक्सरसाइज सब है, ये पुशअप वाला एक्सरसाइज। तो बहुत ही अच्छा ये है, मतलब लोग सुबह वर्कआउट करने आते होंगे, जिसे जिन्हें नहीं पता तो वो लोग इससे देख के वर्कआउट करते होंगे। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सी बीच के पास। तो यहाँ से बस थोड़ा ही दूर में और जो सामने आपको दिख रहा है गेट, मेन गेट, तो अभी हम वहीं पर जाएंगे। पर यहाँ पे जो है आई लव पारादीप, तो गाइस इसे भी थोड़ा देख लीजिए आप। तो ये देखिए, ये सी बीच है, तो ये इसका मेन गेट है। तो यहाँ से मस्त व्यू आ रहा है, ख़ास करके हमारे नेशनल फ्लैग का जो व्यू है, क्या कहना उसके, मस्त व्यू आ रहा है। तो गाइस चलिए चलते हैं इसके अंदर। तो गाइस क्या गजब का व्यू आ रहा है, फ्लैग मस्त हवा में, मस्त लग रहा है मुझे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सी बीच के पास, तो आप लोग देखते रहिए। तो गाइस अभी हमारा बाइक हमने यहाँ पे रख दिया है, लगा दो हैंडल लॉक कर रहे हैं, फिर हम लोग जाएंगे सी बीच के पास। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक धूप है, पर हम लोग तो अभी आ चुके हैं, तो जा रहे हैं हम लोग सी बीच के पास। तो लेकर भाई अभी आ गए हैं, तो हम पीछे पीछे जाएंगे। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सी बीच के पास, तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे बहुत लोग भी हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस हमने ये दो कुर्सियाँ लिया है जो हमें पड़ा 40 रुपये में एक घंटा। तो अभी हम यहाँ पे बैठ के समुद्र का मस्त नज़ारा लेंगे। तो गाइस अभी हम बैठ चुके हैं, यहाँ से मस्त नज़ारा आ रहा है।
तो गाइस यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा लगा, तो अभी हम जा रहे हैं घर। तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से। जा रहे हैं घर, पर हम लोग को थोड़ा भूख लगा है, हल्का भूख लगा है। तो अभी हम जाएंगे, हमारे एक पहचान के अंकल हैं, जो हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं पारादीप तो अंकल के पास से ही दही बड़ा खाते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं वो अंकल के पास, तो आप लोग तब तक देखते रहिए। फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जहां से हम लोग खाते हैं दही बड़ा। जब भी हम पारादीप आते हैं यहीं से खाते हैं दही बड़ा। तो गाइस ये रहे वो अंकल, इनका दही बड़ा बहुत ही टेस्ट है। तो गाइस आप कभी भी आएँ तो यहां से ज़रूर खा के जाएँ दही बड़ा, मस्त दही बड़ा बनाते हैं। तो गाइस अभी हम दही बड़ा खा के निकल चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं घर। तो गाइस यहाँ पे रिटर्न जाने था, यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक था, तो आने टाइम कुछ नहीं था, टोटल क्लियर था रोड, अभी थोड़ा ट्रैफिक है। तो गाइस फाइनली अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से, पारादीप के एग्जिट गेट तक आ चुके हैं। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।